सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लास टू चैप्टर सेवन फेस्टिवल टाइम रिवीजन लेक्चर वन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर सेवन। एज यू नो देयर आर मैनी रिलीजन्स इन इंडिया एंड ईच वन ऑफ देम हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल। Changes in the season are also celebrated in the form of festivals. हमारी इंडिया में कई सारे रिलीजन हैं, धर्म हैं, और सभी धर्मों के अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं। ओके, सीजन में चेंज होने पर भी फेस्टिवल कुछ ऐसे हैं जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। सो अब हम फेस्टिवल्स देखते हैं। First is Holi. The month of March is the spring season and during this time of the year we all celebrate Holi. And it is also called the festival of colors. Holi festival mein log kaise celebrate karte hain ise? People smear colors, gulal on each other and throw colored water. Ek dusre par रंग डालते हैं, रंग फेंकते हैं। और होली को क्या कहा जाता है? रंगों का त्यौहार। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम। द मंथ ऑफ अगस्त टू सितंबर इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड इज सेलिब्रेटेड एज ओनम इन साउथ इंडिया। अगस्त से सितंबर का जो महीना होता है वो हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई का समय होता है, और साउथ इंडिया में इस टाइम क्या मनाया जाता है? ओनम फेस्टिवल। फ्लोरल डेकोरेशन इज डन इन एंड अराउंड द हाउस ऑन द ईव ऑफ ओनम। फूलों से डेकोरेशन की जाती है, लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं इस फेस्टिवल में। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर द मॉनसून इज ओवर द लैंड बिकम्स फर्टाइल एंड पीपल इंजॉय ओनम। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन केरला। स्नेक बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इन केरला एज अ पार्ट ऑफ ओनम सेलिब्रेशन। स्नेक बोट रेसेस करवाई जाती है ऑर्गेनाइज केरला में, और ये किसका पार्ट होती है? ओनम सेलिब्रेशन का। नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज टाइम ऑफ राइस हार्वेस्ट एंड पीपल ऑफर प्रेयर्स टू द गॉड्स एंड एंजॉय। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन तमिलनाडु। पोंगल फेस्टिवल जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये टाइम होता है राइस हार्वेस्ट का यानी चावल की फसल की कटाई का। और पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? इन तमिलनाडु। नेक्स्ट फेस्टिवल आर लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। लोहड़ी एंड मकर संक्रांति आर वेरी पॉपुलर फेस्टिवल्स इन पंजाब एंड नॉर्थ इंडिया। एंड इन लोहड़ी फेस्टिवल पीपल बर्न लॉग्स ऑफ वुड्स टू मेक अ बॉनफायर एंड थ्रो रेवड़ी, पॉपकॉर्न एंड ग्राउंड नट्स। ओके, दे एंजॉय इट विद डांस। दे ऑल्सो सिंग द सॉन्ग्स अराउंड द फायर। ओके, लोहड़ी फेस्टिवल में क्या होता है? लोग आग जलाते हैं, उसी में रेवड़ी, पॉपकॉर्न और ग्राउंड नट्स थ्रो करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, उस आग के डांस करते हैं, गाना गाते हैं। डू यू नो स्पेशल काइट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज ऑन मकर संक्रांति इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट फेस्टिवल इज दिवाली। दिवाली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। This is also called the festival of lights. Candles and diyas are used to decorate houses. और ये celebrate क्यों किया जाता है?
लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन रावणा एंड रिटर्न टू हिज किंगडम अयोध्या एंड हिज रिटर्न इज सेलिब्रेटेड एज दिवाली. पीपल ऑल्सो वर्शिप गॉड एंड गॉडेसेस दे विश फॉर पीस एंड हैप्पीनेस. इस दिन लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे पीस और हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद. मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद ऑन दिस डे. दे गो टू द मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर्स. आफ्टर दैट दे विश वन अनदर ईद मुबारक. मुस्लिम्स जो होते हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन वो कहाँ जाते हैं, मॉस्क यानी मस्जिद जाते हैं, वहाँ प्रे करते हैं, उसके बाद एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं. फेस्टिवल इज गुरपूरब. दे सिक्स सेलिब्रेट गुरपूरब. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडेज ऑफ द सिख गुरुज. सिख जो होते हैं वो गुरपूरब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और ये सिख गुरुओं के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, यानी माना जाता है कि गुरु जो थे उनके उनका बर्थडे इस दिन गुरपूरब नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, दे गो टू द गुरुद्वाराज एंड ऑफर प्रेयर्स. इस दिन सिख कहाँ जाते हैं प्रे करने, गुरुद्वारे. ओके, ऑन दिस इम्पॉर्टेंट डे दे कुक लंगर और तैयार करते हैं वो लंगर, कुक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं और क्या करते हैं, एंड ऑफर इट टू ऑल द पीपल और सभी को बांटते हैं. नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस. क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन दिस डे. लॉर्ड जीसस वॉज बॉर्न एंड द क्रिश्चियंस गो टू द चर्च ऑफर प्रेयर्स देयर. मैनी ऑफ देम डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर. क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन 25th दिसंबर. ओके, दे एक्सचेंज गिफ्ट्स कार्ड्स केक्स एंड ग्रीट ईच अदर मेरी क्रिसमस. नाउ नेशनल फेस्टिवल्स यानी राष्ट्रीय त्यौहार. फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर आर कंट्री आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. जो त्यौहार हमारी पूरी कंट्री मिलकर सेलिब्रेट करती है उसे कहा जाता है नेशनल फेस्टिवल. ओके, ऐसे फेस्टिवल जो हमारी पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है उन फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल्स कहा जाता है. इंडिपेंडेंस डे. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August एवरी ईयर. हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन दिस डे आर कंट्री बिकेम फ्री द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. माना जाता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था इसी दिन. ओके, स्कूल में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल. वी ऑल्सो होस्ट द नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल एंड सिंग द नेशनल एंथम. नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द 26th of January एवरी ईयर. ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड. यानी 26th January को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, और इस दिन हमारे जो इंडिया था आज़ाद इंडिया उसके रूल और रेगुलेशंस को लागू किया गया था. एवरी ईयर अ परेड ऑफ द सोल्जर्स एंड फोक डांसर्स बाय स्कूल चिल्ड्रन एट राजपथ इन न्यू दिल्ली इज हेल्ड. ब्रेव चिल्ड्रन आर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस ओकेजन.
नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज गांधी जयंती एवरी ईयर. उनके बर्थडे को हर साल 2 अक्टूबर के दिन उनके बर्थडे को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है. ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. राष्ट्रपिता भी इन्हें कहा जाता है, किन्हें? गांधी जी को. और भी कई फेस्टिवल हैं जिन्हें सेलिब्रेट करते हैं हम. ओके, लाइक टीचर्स डे. ओके, डॉक्टर राधा कृष्णन के बर्थडे को ही टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज बॉर्न ऑन 5 सितंबर. एवरी ईयर 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे. नेक्स्ट चिल्ड्रंस डे. एवरी ईयर 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. हर साल 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, बाल दिवस जिसे कहा जाता है. ऑन दिस डे आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न. और 14 नवंबर को ही माना जाता है कि हमारे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म हुआ था. ओके, उनका जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है. ओके, और उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, ही हैड स्पेशल लव फॉर चिल्ड्रन, सो ही इज एड्रेस्ड एज चाचा नेहरू बाय ऑल. वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें क्या कहते थे? चाचा नेहरू. स्कूल्स में भी कई फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन. ओके, द स्कूल ऑर्गेनाइजेस स्पेशल फंक्शंस फॉर चिल्ड्रन टू मेक दिस डे इंजॉयबल एंड स्पेशल फॉर देम. बच्चों के लिए इस दिन स्पेशल फंक्शंस रखे जाते हैं ताकि वो इंजॉय कर सकें. सो चैप्टर 7 इज ओवर एंड दिस इज योर होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2, पेज नंबर 42, क्वेश्चन बी. मैच द डेट्स विद द फेस्टिवल्स. आपने क्या करना है? डेट्स को उनके फेस्टिवल्स से मैच करना है. ओके, सो 2 अक्टूबर गांधी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं. 5 सितंबर टीचर्स डे. 26 जनवरी रिपब्लिक डे. 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे. एंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे. सो टुडेज होमवर्क, डू असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ चैप्टर 7 फेस्टिवल टाइम इन योर नोटबुक. Let's start. Question A. Pick the correct answer. First, Eid is the festival of - Hindus, Muslims, Christians. Which one is correct? Second, Lohri is a big festival of - Delhi, Chennai or Punjab. Third, who among the following people celebrate Gurpurab? 6, Muslims, Christians. 4, which of the following is celebrated as birthday of Jesus Christ? A, Diwali. B, Holi. Or C, Christmas. So question first hai, Eid is the festival of - kin ka festival hota hai Eid? Hindus, Muslims, Christians. ओके, सेकंड, लोहरी इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ. लोहरी कहाँ का एक बड़ा फेस्टिवल है? दिल्ली, चेन्नई, पंजाब. थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग पीपल सेलिब्रेट गुरुपुरब, में से कौन सेलिब्रेट करता है गुरुपुरब? सिख जो होते हैं वो, मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस? सिख, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज बर्थडे ऑफ जीजस क्राइस्ट. जीजस क्राइस्ट के बर्थडे को किस फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है?
दिवाली, होली और क्रिसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स फॉर द फॉलोइंग। आपने फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं। ओके, नंबर वन, फ्लोरल डेकोरेशन इज डन। कौन से फेस्टिवल में किया जाता है डेकोरेशन फूलों से। नंबर टू, कलर्स आर थ्रोन। कलर्स थ्रो किए जाते हैं। नंबर थ्री, स्पेशल ट्रीज डेकोरेटेड। एंड नंबर फोर, हाउसेज आर डेकोरेटेड विद लाइट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, मैच द डेट्स विद द फेस्टिवल्स। आपने मैच करने हैं फेस्टिवल्स को उनकी डेट्स के साथ। ओके, सो 5th सितंबर, 2nd अक्टूबर, 14th नवंबर, 26th जनवरी, 15th अगस्त और 25th दिसंबर। सो आप किससे मैच करेंगे? गांधी जयंती, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस और चिल्ड्रंस डे। नाउ क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर्स लिखने हैं आपने। नंबर वन, व्हाट आर आवर थ्री नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे तीन नेशनल फेस्टिवल्स कौन से हैं, क्या हैं, वो लिखने हैं आपने। ओके, नंबर टू, हु इज़ नोन एज चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कौन हैं, यानी किन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। नंबर थ्री, व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस। हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you.